आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ आज की क्राइम खबर। दीवा परिसर में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के मामले में मुंब्रा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। 24 जुलाई को मुंब्रा पुलिस स्टेशन को एक खबर मिली कि एक अंबेडकर आदर्श नगर है बौद्ध मंदिर जुआ में, उसके पीछे झाड़ियों में एक युवक को ऐसे बेहोश स्थिति में डाला गया है। तो मुंब्रा पुलिस स्टेशन की टीम ये पे को लेकर वहाँ पे पहुंची। उन्होंने आदमी को ले लिया और बेहोश होने की वजह से उसको शिवाजी हॉस्पिटल कलवा में लेके गए। वहाँ पे उसको डेथ डिक्लेयर किया गया। तो बाद में इसका इंक्वायरी किया कि शुरू में तो इसको तो नाम तो पता और किसी को मालूम नहीं था, अननोन आदमी था। उसका जब इंक्वायरी किया गया तो उसका नाम शोविक श्रीमणि, इस चीज़ की उम्र 35 साल, ये पाया गया, जो धालीपुरा कलकत्ता वेस्ट बंगाल से लापता था। वहाँ पे उसकी मिसेस ने उसकी कंप्लेन दर्ज कराई थी। फिर ये जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है कि इसका मर गया कैसे, तो उसका पोस्टमार्टम में ये पता चला कि उसको मारपीट हुई उसके साथ, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। वो हिसाब से मुंब्रा पुलिस स्टेशन की टीम ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। सीनियर पी आई अनिल शिंदे ने, वहाँ के क्राइम पी आई दव ने, पी आई पासवरकर को लेकर एपीआई तांबे एपीआई उनकी टीम, उन्होंने दिन रात मेहनत करके वहाँ पे आके सीसीटीवी टेक्निकल एविडेंस और उनके इंफॉर्मेंट लगा के जब मालूम निकाली तब ये पता चला कि उसको सुल्तान शेख और रितेश राजभर, ये दो लोगों ने रिक्शा में डाल के वो बौद्ध मंदिर के पीछे झाड़ियों में डाला गया था। तो उन्होंने अपने इंफॉर्मेंट लगा के उन दोनों को पोजिशन में ले लिया। उनके साथ जब इंक्वायरी की गई तो उन्होंने कबूल किया कि ये जो मयत था वो आपके चाइनीज सेंटर पे बैठा था, यहाँ पे आकाश सर भोईर और इसका भाई जितेश भोईर ये सर्विस सेंटर और चाइनीज सेंटर चलाते हैं, तो वहाँ पे उनकी मार्केट हुई थी। जब इंक्वायरी की गई तो ये जो मयत है शरीर वो वहाँ पे बैठा था, तो उसको ये हकल रहे थे, जा नहीं रहा था, इसकी वजह से इन लोगों ने उसको वहाँ के डंडे से मारा उसको और उसमें वो बेहोश हो गया। और फिर उन्होंने ये दोनों को बुला के सुल्तान और राजभर को बोला तो उन्होंने जाके वो झाड़ियों में उसको डाल दिया था, तो इसकी वजह से ये मौत हो गई। फिर ये मुंब्रा पुलिस स्टेशन की टीम ने एक अच्छा काम किया है, जहाँ पे जिसको हमारे डीसीपी बुरसे साहब, एडिशनल सीपी देशमुख साहब, जॉइंट सीपी चौहान साहब और सीपी डुमर साहब, इनका बहुत अच्छा सा मार्गदर्शन गाइडेंस मिला है, जिसकी वजह से ये गुना जो 24 आवर्स के अंदर हम लोग डिटेक्ट कर पाए हैं। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मौत हो गई है।